दीपावली धमाका, बम्पर सेल, 50% तक डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री। त्योहार आते ही ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए हर तरफ सेल और ऑफर आने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे ऑफर आते ही अक्सर लोग एक से एक ज़रूरत का सामान ऑर्डर करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और इसे देखने के बाद सतर्क भी हो जाएं, क्योंकि कंपनी के डिलीवरी बॉय कहीं आपको भी इस शख्स की तरह हज़ारों का चूना ना लगा दें। ज़्यादा देर न करते हुए आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के पौश इलाके वसंत विहार से एक बेहद हैरान करने वाली धोखाधड़ी की वारदात की खबर सामने आई है। चलिए चीटिंग पर इस गोरख धंधे की पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इस शख्स का नाम है सरोज कुमार यादव, जो कि वसंत विहार की एक कोठी में रहता है और वहीं काम भी करता है। सितंबर के महीने में फ्लिपकार्ट से इसने दो सामान की अलग अलग शॉपिंग की। ऑर्डर आने के बाद जब इसने पार्सल खोला तो दोनों ही सामान इसे कुछ खास पसंद नहीं आए, लिहाजा इसने फ्लिपकार्ट पर उसे एक्सचेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाली। रिक्वेस्ट डालने के बाद सरोज कुमार यादव के पास फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय आया, और बस यहीं से शुरू हो गया धोखाधड़ी का खेल। डिलीवरी बॉय ने जब इससे पार्सल वापस मांगा तो सरोज ने कहा कि उसने सामान को रिटर्न करने का रिक्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन डिलीवरी बॉय ने बहला फुसला कर पैसा अकाउंट में डालने की बात कह उससे पार्सल ले लिया। पीड़ित ने कहा, जब मेरा अकाउंट डिटेल फ्लिपकार्ट के पास नहीं है तो पैसा वापस आएगा किसमें? ऐसे में डिलीवरी बॉय ने झांसा देकर कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद वो पार्सल लेकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद दूसरा डिलीवरी बॉय सामान एक्सचेंज करने के लिए आया। पीड़ित ने कहा कि उनके पहले वाले सामान का पेमेंट अभी तक नहीं आया, उसके लिए क्या करना होगा? अब दूसरे डिलीवरी बॉय ने पीड़ित की बात पहले वाले डिलीवरी बॉय से करवाई। कॉल पर पहले वाले डिलीवरी बॉय ने पीड़ित को एक नंबर दिया और बोला कि आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी समस्या बता दें, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। सरोज ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो वहां से उसे एक दूसरा नंबर थमा दिया गया। सरोज को बोला गया कि ये नंबर हमारे सीनियर का है, आप इससे बात कर लीजिए और आपको तब सारे पैसे मिल जाएंगे। सरोज ने जब सीनियर को फ़ोन मिलाया तो उसने फ्लिपकार्ट का एम्प्लॉय बनकर बात की। उसने सरोज से कहा कि आपको पेमेंट लेने के लिए एनी डेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद डेबिट कार्ड को कैमरे के सामने रखने को कहा, जबकि पीड़ित को कैमरे की कोई भी तस्वीर उस एप्लीकेशन में नहीं दिख रही थी। लेकिन सामने वाले के पास पीड़ित के कार्ड का सारा डिटेल चला गया और कुछ ही देर में सरोज के अकाउंट से लगभग 40,000 रुपये गायब हो गए, और उसी के थोड़ी देर बाद लगभग 10,000। मैंने सामान मंगाया था, उस सामान को मैंने एक्सचेंज किया था, दो सामान मंगाया था, दोनों एक्सचेंज किया था। एक सामान ले गया, वो दिया नहीं मेरे को सामान। फिर जब दूसरा सामान लेने आया, फिर मैंने उनको पूछा कि भाई मेरा दूसरा सामान ले गया, वो अभी तक एक्सचेंज में दे नहीं गया है, आप लेने भी आए हो और देने भी आए। तो उसने मेरे को एक नंबर दिया, बोला एक सीनियर अधिकारी है, आप इनसे बात कर लो, आपका ये मसला हल कर देगा। मैंने उस नंबर पर कॉल किया, जैसे कॉल किया उसने बोला मेरा सीनियर अधिकारी आपसे बात करें। दूसरा कॉल आया, उस कॉल के जरिए उन्होंने मेरे को समझाया जो आप फ्लिपकार्ट में पैसे ऐसे दिया जाता है, जो पहले अकाउंट में दिया जाता था अब अकाउंट में नहीं दिया जा रहा है, आप ये एनी डेस्क डाउनलोड कीजिए, उसके ज़रिए आपको अकाउंट में पैसे आ जाए। मैंने उनको ये डाउनलोड किया और मेरे से अकाउंट नंबर लिया, कार्ड के डिटेल लिया, उसी के दरमियान उनसे पैसे मेरा अकाउंट से काट लिया। अगर सरोज की माने तो जिस तरीके से डिलीवरी बॉय फ्लिपकार्ट की इन्फॉर्मेशन को लीक करके हज़ारों रुपये की चपत लगा रहे हैं, ऐसे में साफ है कि ठगी का शिकार यह अकेला शख्स नहीं है, और हमारे खबर दिखाने का मकसद भी यही है कि ऐसे ठगी करने वालों से आप बचकर रहें। मौजूदा समय में त्योहारों का सीज़न आने वाला है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हर कोई कोशिश करता है, लेकिन ज़रूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई कहीं इन ठगों की जेब में ना चली जाए। सरोज का मानना है कि जिस तरह से इनके साथ ठगी की वारदात हुई, ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसे दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द काम करके सुलझाना होगा और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। फिलहाल सरोज कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है।